जीवन में एक चीज से मैं बहुत परेशान हूं, उतना ही परेशान आप लोग भी हो मैं जानता हूं। जिधर भी देखो सिर्फ रूट राइडर, वर्ल्ड चैंपियनशिप खोलो रूट राइडर, टूर्नामेंट खोलो रूट राइडर, पुशिंग खोलो रूट राइडर। ऐसा लग रहा है कोई और आर्मी बची नहीं है जिस आर्मी के ऊपर लोगों को अब भरोसा हो। इसी भरोसे को आज जगाने के लिए हम छोड़ देंगे रूट राइडर्स की गलियों को और भाई उतनी ही पिटाई करेंगे किसी और आर्मी के साथ और आपको भी सिखाएंगे। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हो लाइक सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। ये देखो गाइस इलेक्ट्रो ड्रैगन रेडी हमारे क्लैन वॉर लीग में नहीं सॉरी लेजेंड लीग में अटैक करने के लिए। और कल भी हमने इलेक्ट्रो ड्रैगन ये अटैक करा था, देखो कितना मारा था 304। एक अटैक मेरा 99 हो गया, एक और अटैक मेरा 99 हो गया और ये देख लो हमारा अटैक लोग इलेक्ट्रो ड्रैगन ही चल रहे हैं धनाधन। चार पांच दिन में अटैक करते हुए सिर्फ इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक हम कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें मेरा डिफेंस गया 183। अब आप जरूर कहोगे मोगी भाई अपना बेस दिखा दो, इतना खतरनाक डिफेंस कैसे चल रहा है आपका? भाई ऐसे चल रहा है, मैंने ये वाला कस्टम बेस लगाया खुद मेहनत करके, झूठ बोल रहा हूँ गाइस, उड़ाया था कहीं से, तो आप भी उड़ा लो इसे, बना लेना मस्त बेस है, धुआंधार डिपेंड करता ही है। चलो जी बकवास की बातें खत्म, अटैक शुरू। पिटाई देखो आप इलेक्ट्रो ड्रैगन से कैसे होती है। क्या रूट राइडर पूट राइडर, हर रोज जहां देखो रूट राइडर। अरे कुछ आता नहीं क्या इसके सिवा? मैं ही टेंशन में आ गया हूं इस बेस को देख के, तो कि मुझे आता है कि नहीं आता है। ये चाहिए पहली प्रायोरिटी, पर बाहर आ गए हैं इलेक्ट्रो ड्रैगन्स, इसका मतलब नुकसान हो गया और इसका मतलब सारे ड्रैगन उतारने पड़ेंगे और रेज मारनी पड़ेगी और वार्डन एबिलिटी भी लगानी पड़ेगी। इधर से स्लैमर आएगा, किंग आएगा, क्वीन आएगी, यहाँ पे फ्रीज आएगी, एक और रेज आएगी और एक और फ्रीज। और लेट हो गई फ्रीज, कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, होती रहती हैं भाई, होती रहती हैं। अभी भी मोनोलिथ बचेला है और उससे मेरे को डर लगेला है कि मोनोलिथ के साथ सीसी भी बचा हुआ है। किंग पहुंच रहा है, फॉल ब्रेक कर देते हैं, सीसी आ गया, विजन डाल देते हैं। मार यार क्या कर रहा है भाई, इसको मार क्यों नहीं रहा ये? आइस गोलम मुझे परेशान कर रहे हैं, कोई बात नहीं करने दो। एक हेड हंटर बचा है उसको क्लीनअप के लिए डाल देते हैं। आरसी जाएगी स्कैटर शॉट के कंपार्टमेंट में, उससे पहले ग्राउंड स्केलेटन से मुलाकात हो गई है उसकी। क्वीन तो बेचारी दीवार तोड़ने में व्यस्त है, एबिलिटी लग गई है, फ्रीज भी लग गई है, स्कैटर शॉट टूटने का नाम ही नहीं ले रहा, बुड्ढा तोड़ेगा उसको, तोड़ दिया। अब बुड्ढे के ऊपर ही हमने फिनिक्स लगा रखा है, एक्टिवेट हो गया, क्वीन बेचारी दीवार तोड़ रही है। आए है काफी स्लो अटैक हो गया ये तो, अभी भी क्वीन दीवार तोड़ रही है, दीवार ही तोड़ती रहेगी बेचारी, इसलिए एबिलिटी दबा देते हम, वरना हमारा पहला ही अटैक टाइम फेल हो गया तो मुंह किधर छुपाएंगे हम, पर ऐसा होगा नहीं। वैसे 1.5 मिनट में होता है ईडी से ट्रिपल, थोड़ा सा अटैक बेचारा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था ये वाला। अगला अटैक करने से पहले गाइस मैं आपको इक्विपमेंट दिखा देता हूं कि मैं क्या क्या यूज कर रहा हूं। वार्डन पे कर रहा हूं मैं हीलिंग टॉम यूज, आरसी पे हमारा पपेट ओक पपेट शील्ड, क्वीन पे हीलर्स इनविजिबल और किंग पे तो आपको पता ही है ऑलवेज जाइंट गॉन्टलेट। एक अटैक हमने कर दिया और डिफेंस भी आ गया हमको। मैं क्या कह रहा हूं, बेस तकड़ा है,
बना लो आप, चोरी कर लो मेरा बेस। ओके, ये वाला बेस हमको मिला है, कोर में बहुत डैमेज है। तो क्या करेंगे अब हम, इसके कोर को ही उड़ा देंगे। चलो जी, साइड से उड़ेगा। वल्नरेबिलिटी रेज, वन मोर रेज, फ्रीज द मोनोलिथ एंड वन मोर रेज। रेज टावर एक्टिवेट होने वाला है, इसलिए फ्रीज, वन मोर रेज, फ्रीज, सिंगल टारगेट इन्फर्नो। कोर बचा हुआ है भी, और गैर गलत चला कर लाते चला गया, बेवकूफ है ये इलेक्ट्रो ड्रैगन मेरा। एक सही जा रहा था, सही जा रहा था, और फिर गलत चला गया। वॉल ब्रेक भी मैंने गलत कर दिया गाइस। अब मुझे आरसी का सहारा लेना होगा। स्कैटर शॉट वाले कंपार्टमेंट में वॉल ब्रेक करता तो सही रहता, पर चलो कोई नहीं, छोटे मोटी घटनाएं बड़े बड़े शहरों में अक्सर हो जाती हैं। अब आरसी को ही सारा कंपार्टमेंट टेक डाउन करना होगा। इनविजिबल हो गई आरसी, रिकॉशेट कैनन निकालनी आरसी को। ये दबाई एबिलिटी, चलो जी, वन टू का फोर और फोर टू का वन, रिकोसेट कैनन इस दफन। देखा, इस बार बन गई इसकी 2 मिनट में चटनी। बेस के ऊपर डिपेंड करता है गाइस, कहीं से वो ट्रिपल खाएगा। चलो गाइस, पिटाई प्रतियोगिता अगला बेस, इनवी टावर वाला ये बेस मिल गया हमको, जिसमें डैमेज बहुत ज्यादा है। आप क्या करें, हम जाइंट गोंटलेट की मदद लेंगे। अब हम कैसे लेंगे, अभी दिखाता हूं, अब भी दिखाता हूं, अब भी एबिलिटी एबिलिटी एंड किंग। ये गए हीरोज सारे, एंड रेज एंड गोंटलेट फॉर दिस कंपार्टमेंट। एंड रेज फॉर दिस कंपार्टमेंट, देन ब्लिंप 40H, आरसी फॉर दिस कंपार्टमेंट। अरे बिलिंग पहले ही फोड़नी पड़ेगी लग रहा है। इलेक्ट्रो ड्रैगन बचाने की कोशिश कर रहा था मैं, बच नहीं पाए, कोई बात नहीं गाइस। जैसा कि मैंने आपको बताया, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। अब आरसी को ही अपना जलवा दिखाना होगा एबिलिटी के साथ, पॉइजन के साथ, ग्राउंड स्केलेटन्स को मारने के लिए। इधर हम उतार देंगे बचे हुए चीजों को निकालने के लिए एक हेड हंटर, और बेस का बन जाएगा हंटर। अच्छा, कुछ बंदे ये कह सकते हैं कि लोअर लेजेंड लीग में तो नहीं है मोगेम्बो। चलो गाइस, ऐसा नहीं है, अभी आपको दिखा देता हूं मैं। ये वाली आईजी आईडी, इसकी ट्रॉफीज देख लो आप, 5,900, 800, 800, 700, तो अच्छी खासी आईडी इसकी ट्रॉफीज है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बेसिस मिलेंगे और उनको हम धोएंगे भी। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पिटाई, वेरी डेंजरस बेस मिलिंग पॉइजन टावर के साथ।
बहुत ज्यादा डैमेज होइंग ऑन दिस बेस, टीएच को टेक डाउन करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। दिस इज ओनली माय होस्ट एंड दोस्त। ओके, अब बिलिम के ऊपर ये पूरा अटैक, बिलिम से टीएच चाहिए हर हाल में, और वहीं पे इनवी टावर भी है, तो हमको ब्लिंप पे ध्यान लगाना होगा। ये आ गया, बेस खत्म समझो। पॉइजन, रेज, फ्रीज, वन मोर फ्रीज। अरे मोनोलिथ, चलो मोनोलिथ आ गया। अब उतारेंगे मार्सी को, यहाँ पे करेंगे वॉल ब्रेक किंग के लिए। उधर वार्डन बेचारा अकेला लगा पड़ा है। अरे मेरा फोन क्यों बज जाता है ऐसे में, मैं फोन की तरफ नहीं देख सकता, मेरी आंखें खराब हो गई हैं। आरसी के लिए हेड हंटर, स्पेल हमारे पास कोई नहीं है, क्वीन की एबिलिटी लगानी होगी। अब बचा है एक स्कैटर शॉट। इधर हमारा वार्डन लगा पड़ा बेचारा, दुखी हो रहा है, पता नहीं क्यों दुखी हो रहा है। क्वीन को डैमेज दे रहा है स्कैटर शॉट। आरसी पहुंच गई है उसको ठिकाने लगाने के लिए। क्वीन बेचारी दीवार तोड़ने की कोशिश कर रही है, कर ले इन दो, कोई बात नहीं बेचारी है। आरसी को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, कर ले इन दो, चलो चलो उसकी मेहनत को ख़त्म कराते हैं, टेक डाउन करते हैं सारे बेस को विद द एबिलिटी ऑफ आरसी। जरूरी नहीं है रूट राइडर के पीछे पड़े रहो आप, इलेक्ट्रो ड्रैगन ट्राई करो, वो भी अच्छे हैं भाई और मजा भी आएगा। बोर हो गया रूट राइडर देख देख के अब मैं। लेट अस गो फॉर द सेंटर टाउन हॉल के डबल पॉइजन टावर वाले वेरी पॉपुलर बेसिस के लिए। इस तरह के बेसिस बहुत पॉपुलर हैं गाइस, फेल यही कराते हैं बेसिस, चाहे रूट राइडर हो या कोई भी आर्मी हो। ज्यादातर आप जब ट्रॉफीज बढ़ा लोगे तो आपको सेंटर टाउन हॉल के बेसिस मिलेंगे। कुछ नहीं करना, अटैक करना है, बेस ट्रिपल हो जाएगा। बिलिंप मार देनी है ताकि दोनों पॉइजन टावर एक्टिवेट हो जाए। डबल रेज मारनी है, फ्रीज करना है, बिलिंप को बस टीएस तक पहुंचने देना है और मसला खत्म। टीएच आ गया गाइस, किंग उतार दो, फ्रीज लगा दो मोनोलिथ के लिए, सबसे भयानक डैमेज यही देता है। और फ्रीज लगा दो, जब तक मोनोलिथ ना आए लगे पड़े रहो, ये चाहिए ही चाहिए भाई, वरना ये ट्रिपल नहीं मारने देगा, परेशान कर देता जीवन में, मतलब कि दुखी कर देगा आपको। पॉइजन टावर एक्टिवेट हो गया है, फोन बहुत आ रहा है मेरे को, नहीं उठाऊंगा। एक हेड हंटर लगाना पड़ेगा मुझे क्योंकि किंग बचा हुआ है अपोनेंट का, और उससे भी पहले तो अभी डैमेज बचा हुआ है। किंग बहुत परेशान कर रहा है गाइस, मार डालो इस किंग को, और ये बेस हो गई खत्म। ऐसे बेसिस से जो परेशान है गाइस, सेंटर टाउन हॉल का कोई भी बेस हो, चाहे पॉइजन टावर वाला हो, रेस्ट टावर वाला हो, बिलिम मार दो, स्लैमर मार दो, खत्म बेस। कोर बढ़िया बेस आपको ट्रिपल मार के दिखाते हैं, वापस से सेंटर टाउन हॉल का डबल पॉइजन टावर का बेस, मैं कह रहा हूं जैसे जैसे आप ट्रॉफीज बढ़ाओगे आपको यही बेस मिलेंगे, और इन्हीं को हम ट्रिपल मारना आपको सिखाएंगे। पहले मैं खुद तो सीख लू, कैसे सीखूं कैसे सीखूं। चलो मैं तो सीख गया। अब आपको सिखाता हूं। इधर किंग, क्वीन, दो ए बलून, ब्लिम, हॉर्डन एबिलिटी, एक रेज, दूसरी रेज,
TH पे रेज, फ्रीज, और ये दिक्कत हो गई है थोड़ी सी, थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई है। CC भी बाहर आ गया है, टोर्नेडो में भी मेरी बिलिंग फंस गई है। इसको कहते हैं द मैक्सिमम प्रॉब्लम, इससे ज़्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती थी, पर कोई दिक्कत नहीं। ज़रूरी थोड़ी ना कि आपका अटैक हर बार वैसे ही जाएगा जैसे आपने प्लान किया, प्रॉब्लम से निकलना भी आना चाहिए। इसलिए अब हम आपको निंजा टेक्निक सिखाएंगे प्रॉब्लम से निकालने की। मोनोलिथ को टेक डाउन करो, ट्रिपल मार, ऐसी प्रॉब्लम में फंस के खत्म। बेस RC का है मेरी, इधर ही है, दिख ही नहीं रही थी। एडेंटर बचा रह गया, सेंटर टाउनल के बेसिस की तो दुखी खत्म हो जाएगा आपका, सही बता रहा हूँ मैं आपको। बहुत फटाफट ट्रिपल मारते हैं इलेक्ट्रो ड्रैगन सेंटर टाउनल के बेस को। आखिरी अटैक की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता वापस सेंटर टाउन। मैंने क्या कहा आपको, ट्रॉफी बढ़ाओ, सेंटर टाउनल के बेस पाओ। चलो गाइस, इसको भी ट्रिपल जड़ते हैं और टाटा CU सयोनारा बोलते हैं इसे, और इलेक्ट्रो ड्रैगन का सलाम बोलते हैं इसे, ताकि ये डिफेंस में आके देखे तो इसे पता भी चले कि भाई इलेक्ट्रो ड्रैगन वाले भी धोरे हैं। पर कर कुछ नहीं पाएगा, पता चल भी जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा भाई। फिल्म पहुंच जान दे मेरी जरा। अरे यार, ये टोर्नेडो ने तो जीना आराम कर दिया भाई, जहां देखो वही टोर्नेडो। सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई है कि मोनोलिथ और CC दोनों ही नहीं आए हैं। ये है असली बड़ी और तगड़ी समस्या। किंग की एबिलिटी देनी पड़ेगी कि किंग हेल्प करे यहाँ पे आर्मी की। आखिरी फ्रीज लग गई है मेरी, मोनोलिथ अभी भी नहीं आया है, और लग नहीं रहा कि आ पाएगा। समस्या गंभीर होती जा रही है इस अटैक में। CC का डर था, CC आ गया। मैटर बहुत बिगड़ चुका है। अब आएगा असली मजा, बिगड़े हुए मैटर का तो मजा ही अलग है गाइस। क्वीन के ऊपर जा रहे हैं ये लोग, हेड एंटर लगा देते, क्वीन की हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी। उधर आइस गोलम किंग के पास चला गया, एक रोमांच आ गया गाइस इस अटैक में। एकदम आसान आसान अटैक से शायद हम दुखी हो गए थे। मोनोलिथ ऐसी चीज है, अगर वो बच गया और अगर CC भी बच गया, फिर आपकी पूरी आर्मी बची हो उसको भी लेटाने का दम रखता है, कोई बात नहीं, प्रबंध करते हैं इसका। क्योंकि HP बहुत कम है मोनोलिथ की, मोनोलिथ में दम बहुत है भाई, दीवार तोड़ लें दो जरा। आखिरी अटैक में अगर रोमांच ना हो तो फिर वीडियो में भी क्या ही मजा। एकदम रगड़ पकड़ के ट्रिपल होएगा ये, तगड़ पकड़ के, अभी देखते जाओ आप। एबिलिटी वेबिलिटी कुछ नहीं दबाऊंगा, हाथ ऊपर कर लिए मैंने तो, ये देखो भाई, ये मारा बॉम मारा, ये मारा भाग क्वीन, ये मारा और ये मारा। ये था एकदम एपिक ट्रिपल फ्रॉम इलेक्ट्रो ड्रैगन अटैक। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं आप रूट राइडर से थोड़ा सा जीवन में सुख मिला होगा। देख देख के परेशान हो चुका हूं मैं भी, आप भी। कोशिश करेंगे नई नई स्ट्रेटेजी, नई नई चीजें आपके लिए लाएं और आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाएं। तो चैनल पे आप लोग पहली बार आए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आप लोगों से बहुत जल्द एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी। बाय।